आई एम टेकिंग द टैबलेट. टैबलेट तो चाहिए क्योंकि अपने को उनकी मदद करनी है. आई विल टेक द टैबलेट नाउ. लाइक फक यू विल. देन ओनली वन ऑफ अस विल बी गेटिंग पेड टुडे. आ गया तू अपने औकात पे लड़ाई पे साले. ले ले लड़ी ले तू लड़ी ले मार. एक बार में तो साफ हो गया और लड़ने आया था मेरे से ये. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त रमन गौतम. आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं असासिन्स क्रीड ओडिसी. जैसे कि गाइस, अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखे होंगे तो आपको पता है लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. पर लास्ट एपिसोड में काफ़ी घमासान हुआ. हम जैसे तैसे हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है अपने ही फादर को मारने का गेम के अंदर. तो वो कॉन्ट्रैक्ट मिला और हमने ले लिया और हम आगे बढ़ चुके हैं अपनी जर्नी में. चलो गाइस, तो फटाफट अब अपन गेम प्ले के अंदर चलते हैं और देखते हैं अपनी जर्नी में आगे होगा क्या. चलो गाइस, तो हम गेम प्ले के अंदर आ चुके हैं. लास्ट टाइम हमने जहाँ छोड़े थे वहीं पर. चलो तो अपन फटाफट चलते. चलो गाइस, तो अब देखो हम स्पीड में जा रहे हैं. लास्ट एपिसोड में जैसे कि हमको मेगारिस पहुँचना था बस, क्योंकि हम मेगारिस जाएंगे और वहाँ पे हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है एलेक्सियस को. उसको उसके फादर को मारना है द वुल्फ को, जो कि बहुत बुरी बात है पर गेम के हिसाब से करनी पड़ेगा. उसके फादर ने भी गलत किया यार, उसको फेंक दिया था पहाड़ से. उसकी बहन को फेंक रहे थे तो इसने जाके बचाया एलेक्सियस ने, तो इसी को फेंक दिया निकलस ने, उसके फादर ने द वुल्फ ने. ये काफ़ी गलत हुआ तो इसलिए अपनी वेंजेंस लेने, अपना रिवेंज लेने ये जा रहा है अपने फादर से मिलने. तो अब ये जाके उसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला कि मारेगा तो काफ़ी पैसे मिलेंगे. तो चलो कोई नहीं गाइस, हम फटाक से सीधे वहीं पहुंचते हैं और फिर आगे का गेम प्ले और देखते हैं कि हम वहां पहुंच के क्या होगा. चलो गाइस, हम पास तो पहुंच गए लेकिन ये अथेनियंस ने हमारा रास्ता रोक के रखे. ऐसा क्यों है, हमारा रास्ता क्यों रोके? चलो थोड़ा स्पीड में, ये हमारा रास्ता रोकेंगे तो हम तो मारेंगे ही ना भाई. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. अब तुमको बताते हैं अथेनियंस, तुम हमारा रास्ता क्यों रोके? हमारा हम तो सीधा सीधा जा रहे थे. लो लो मारो मारो. रेस तो करेंगे हम और साथ में मारेंगे भी बहुत. ये हम पे हमारा रास्ता ब्लॉक नहीं करना रे भाई, हमको जाना है तो हमको जाना है. एक गई से एक दूसरी से चिपक जाते. मर 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 मर. चलो मारो तुम भी. एक तो गई शिप गाइस, दो बच्ची हैं. एक ये थोड़ी बड़ी है, एक थोड़ी छोटी है. तो पहले छोटी वाली कोई मार दो. मार गए, ये भी गए. एक आप बच्ची हो, आपको क्या लग रहा है कि आप बच्चा हो? ऐसा तो नहीं होगा, मैं काफ़ी तगड़े शॉट मारूंगा. मेरी शिप को भी लग रही है पर मैं इनको छोड़ूंगा. क्या कहाँ मार रहा हूँ इधर उधर. उसके पास ही जाना पड़ेगा अपने को क्योंकि दूर से शॉट नहीं होते. तब तक हम एक काम करते, इसको उड़ा देते. इसको मारो जाते. ये गई एक शेप, एक उधर दूर है पर एक के पास में. पहले इसी को उड़ाता हूँ, पास वाली के पास जाके और मारता हूँ उसको. काफ़ी मज़ा आता है ऐसे. अरे फ्रंट टू फ्रंट फाइट खेलेगा तू? आ जा आ, ले 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 ले. गई ये भी गई, ये भी गई, ये भी गई. चलो जाओ पूरी तरीके से गई. अब वो एक बड़ी वाली शिप और बची उधर गई, उसको और मार दे तो हमारा रास्ता तो क्लियर हो चुका है. अरे हाँ, अपन सब उठा लेंगे रे बेटो. किसको मारो पहले? चलो फुल स्पीड में चलाओ, उड़ाओ टोक के फुल स्पीड में. हम लोग कोई टेंशन नहीं लेंगे. मारो मारो मारो. अब स्पीड कम हो गई. चलो कोई बात नहीं. हाँ नहीं, सिर्फ तो चढ़ना नहीं हमको, सीधे हम डिस्ट्रॉय कर देंगे. लो मारो गए. ओके, Spartans are preparing for a final push to rid the region of Athens. चलो तो हम पहुंच रहे फटाक से अपने जगह पे. चलो इतना बचा है, हम वहां पहुंचते गाइस. और पहुंचने के बाद देखते हैं आगे का गेम प्ले. फाइनली वी रीच, पर यहां पे ऑलरेडी लड़ाइयां चल रही है. किस बात की? तो स्पार्टन्स, अच्छा ओके, द वुल्फ है यहां पे. ये रहा था वुल्फ, उसके फादर निकलस. ओके सब मर गए. नहीं नहीं, ये बच्चे पीछे से. अच्छा ये अथेनियन है जिसकी फाइट चल रही थी इन लोग के साथ, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है अब हमको. ओके ओ
see. The Athenian dog Pericles fears you. He cowers in his Parthenon, surrounded by playwrights and sophists. He dares not face you with honor on the battlefield. He knows you are too strong. He knows Athens' days in Margolis are numbered. And he knows Athens is next! यहाँ तो काफी लोचा लफाड़ा चल रहा है. हम आ गए. इन लोग के तो अपनी वॉर चल रहे हैं. ये रहा, इसको फॉलो करना है क्या असैसिनेट करने के लिए? शायद फॉलो करना हो, असैसिनेट करना. देखते हैं पर क्या होगा. You destroyed the Athenian blockade. Yes. They were in my way. Sparta owes you thanks. Dihi has blessed you, my friend. You arrived in time to watch my pater achieve a glorious victory. हाँ दिख रहा है, पर ये तेरा पादा कहाँ से हुआ? Nicholas children died. हाँ यार, वो तो मर चुके थे ना. ये चाइल्ड तो मर चुके हैं. यही पूछता हूँ, ब्रदर क्यों बोलूंगा इसको मैं अपना? You can't be his son. I heard his children died in Sparta many years ago. He adopted me into his household after his previous family failed him. I would never bring dishonor to him. Sometimes things happen in a way that you don't plan or expect. History has a way of remembering things strangely. You talk as if you were there. Maybe I was. Nonsense. You're too young to have witnessed such things. But enough of the past, let's discuss the future. What is a mercenary doing sailing into a war they aren't being paid to fight in? Tell me why you're really here before I cut you down for wasting my time. अब ये ज़्यादा बार कर रहा है, मालूम? ये बहुत ज़्यादा बात कर रहा है. एक तो मैं ही हूँ. I came to meet Wolf. I've come to meet the Wolf of Sparta. You cannot simply meet with Nikolaos. He has command of the entire Spartan army. If you truly came all this way to meet him, you might be disappointed. Are you sure you're in charge here? You don't strike me as a typical Spartan. Perhaps it's best if I just talk with Nikolaos. A sense of humor is not a trait I see being useful for a sellsword. If you're here to earn drachmi, though, I could make use of a capable mercenary. The fleet might be destroyed, but Megaris is firmly in Athenian control. We need to weaken their position if we are to take to the field and drive them back to Athens. Okay, what's the state of war, Pustas? How goes the war effort? The Athenian blockade was a desperate attempt to stop our advance through Megaris. Now we can prepare to drive them from this region once and for all. Our forward scouts are identifying key targets in preparation for our assault. Under the Wolf's command, we shall be victorious. Chalo, to wo tell me why you need a mercenary. Sahi baat hai, meri zarurat kyun hai? Why do you need a mercenary to do that? You seem to have plenty of soldiers at your disposal. It's not a question of manpower. The Megarians are our allies. We do not want to commit troops until we know victory is assured. My scouts are already locating key targets that we can hit. Okay, I will help for a price, huh? I'll help you rid Megaris of Athenians for a price. Typical of your type. No honor or sense of duty. But your skills are better serving us than our enemy. The Athenians already have a mercenary working for them. They don't need more help. If we can draw the leader out and eliminate him, we will crush the Athenians on the battlefield and drive their forces all the way back to Athens, destroying their supplies, stealing their war chest, and killing their elite troops should leave him vulnerable. Take this and present it to my scouts. If you find them in the field, be sure to check for new information. They might also have need of your skills. Chalo, I know what I must do. I think I know what must be done. Remember, every Athenian soldier you eliminate will also help us achieve victory. And once I've brought the Athenians to their knees for Sparta, I'll get that meeting with Nikolaos. Or you'll be next. Send those Athenian dogs to Hades, Nistios. Do this, and the Wolf will personally see to it that you are rewarded.
चलो तो ये तो फाइनल है कि वो मिलेगा, पर अगर हम इनको मारेंगे, चलो तो मीट योर फादर ने का हेल्प सेनेटर कॉनकोरर मार्गरिस, चलो तो वीकेंड करना है उनको, वीक करना चलो स्टार्ट कर देते हैं अपन। इफ आई वांट टू गेट क्लोज टू द वुल्फ आई विल हैव टू हेल्प स्टेंटोर डिफीट द एथेनियंस, आई शुडंट वेस्ट एनी टाइम। चलो तो अपने को टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, अपना लेवल 8 भी हो चुका है, तो अपन फटाक से अपना घोड़ा बुलाते हैं और अपन चलते हैं। बस एक ही समझ में नहीं आई कि घोड़ा अपना आ कैसे जाता है यहाँ पे, क्योंकि अपन तो दूसरे जगह पे अपन शिप से आए हैं पर घोड़ा कैसे आ गया, पर अब आ ही गए तो चला ही लो ना भाई। तो अपन पहुँच गए यहाँ पे, क्या लो चला फड़ा चल रहा है अपने को चेक करना। What happened here? What business is it of yours, Mistios? Do you know anything about this? Be glad I don't. I'm a friend. Friend bolta. I'm a professional. And a friend. But what's that supposed to mean? If it had been me, I'd have been smart enough to try and hide the evidence. Fair point. Whoever did this was brazen and foolish, leaving it to be so easily discovered. Or they wanted to send a message. Stentor sent me. I'm here to help wherever I can. Stentor sent you? Sparta doesn't fully control Megaris. Yet. It's easier for me to move freely in certain areas of Megaris than a Spartan. The Athenians have proven more resilient here than expected. But they will Before not stand. Before Sparta, yes. I've heard the speeches. But until that glorious day comes, we should find out what happened here. Do you have any ideas? Not yet, but I will. I should get a closer look to figure out what happened here. चलो अब अपने को ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ क्या हुआ है। These were professional soldiers, slaughtered to a man. I don't think bandits could have done this. ये तो चलो सही है कि bandits तो नहीं कर सकते, किसी soldier नहीं किया। अब देखते हैं next में क्या है। The supplies are missing. They can't have gone far though. They didn't use the carts. यानी सप्लाईज मिसिंग है और कार्ट लेकर नहीं गए, यानी साधु तो भाग नहीं सकते लोग इतनी सारी सप्लाईज लेके, ये क्या है? Looks like they went this way into the forest. I don't think I'll find anything else. I should report back. Okay, तो रिपोर्ट बैक कर देते अपन। So was it the Athenians? I found some fragments of a green crystal. Bandits then. The mountains here are riddled with caves and the war has made them brazen. If it was Athenians, they would have taken the carts as well as the supplies. And bandits, they wouldn't have stood a chance against trained Spartans. What are you saying? I'm not sure. Whoever did this went into the forest. So I'll start by looking there. चलो तो अपने को फॉरेस्ट में देखना है, तो अपने पास तो अपना ये है ना, इकारोस। इकारोस पता लगा के आओ। There they are. मिल गया। ढूंढ लिया इकारोस ने, चलो वापस। अब अपने को जाना है इकारोस पे, ढूंढ लेता है यार वो, मतलब सही है बंदा है, सब ढूंढ डांड के ला देता है। यहाँ पे कुछ पड़ा भी है, पर यहाँ पे वुल्फ भी है। वुल्फ तो साले बड़े परेशान करते हैं यार, वुल्फों से लड़ने ही बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये क्या पड़ा है, पहले तो ये ले लो, फिर अपन चलते अंदर की तरफ। यहीं कहीं बताया इकारोस ने। ओके चलो फटाफट पहुँचते हैं। हाँ पर ये जो एक भेड़िया है, मैं इसका क्या करूँ, लड़ेगा ही मेरा नीचे आती। हाँ आ जा, हाँ आ जा बेटे, लो 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 तुम ले ही लो, जाओ तो। हम साला मिशन पार करने आए, तुम बेसरमो टाइप ये सब कर रहे हो। अब कौन भोक रहा है, और ये कहीं लड़ो एक बार में, दो चार नहीं। चलो देखो के अंदर चेक करते हैं। Is this a private gathering or can anyone join? What are you? Please just leave. You don't look like murderers. Was that the Spartans' mistake? What? Wait, no! Please, you don't understand! What's to understand? It all seems perfectly clear. Please, let me plead our case. Okay, so pata yaar kya hua? You'd better tell me why I shouldn't just kill you and return the goods. Please, I'll tell you anything you want to know. Batao phir. Who are you? Why risk worth with the Spartans? So, who are you? You're the sorriest band of thieves I've ever seen. By the gods, no! We are citizens of Megara. Please, show mercy. This war has already cost us dearly.
like the mercy you showed those Spartan soldiers? We just took some food. Irkanos told us to take it, said he'd make it easy for us. Irkanos? Yes, the mercenary. He said he'd provide food. Told us the Athenians would never let their people go hungry. Okay. Explain yourselves. It's not wise to anger the Spartans. Please, we're not thieves. This is our food, our crops. They took it, left us with nothing. Our children are starving. So you repay theft with murder. A fine lesson for your children. Murder? No! Please, we never harmed anyone. Amistios told us where to find the food. Everyone was already dead. Okay, वो लोग पहले से डेड थे यार. Enough! I didn't come here for a debate. It's too late for talk now. I came to find who's behind this crime against Sparta. नहीं यार, मार तो नहीं सकते इनको. We can settle this peacefully कर देता हूँ. Stand aside. You don't need to die today. I'm returning the supplies to the Spartans. Then you will do so over our dead bodies. Don't be stupid. Take some food, enough to get by. I'll say I killed you and claimed what was left. They will be satisfied. But the food? What of our families? Your families will not benefit from your death. Accept my offer and don't steal again. It won't be me who comes for you next time. Yes, Mistios. Thank you. Hurry, take what you can carry and go. Chalo, quick. Chalo, jao re bhaiya. Thank the gods they didn't try to fight. I wasn't in the mood to kill starving civilians today. सही बात है, मैं बिल्कुल मारना चाहता ही नहीं उन लोगों को. अच्छा वो उन लोग ने फाइट वाइट नहीं करे, नहीं तो फालतू में मारना तो पड़ ही जाता ना फिर. चलो तब उसको वापस जाके खबर बता देते. मैं पैदल क्यों आया यार, मैं तो अपने घोड़े से भी आ सकता था ना. अब लूँगा, भूल जाता हूँ बार बार कि मेरे पास हॉर्स भी है. और चलो हम तेरे को बता देते भाई, सब हो गया काम. Did you find the ones responsible? I found your supplies with a bunch of hungry Megarians. And? You stole that food from them. They were starving. The supplies were essential for the war and ridding Megara of the Athenians. Hungry Megarians are the least of your worries. But there's something else. Have you heard of the mercenary called Irkanos? Irkanos? Yes, he's working for the Athenians. So the rumors go. This is all his doing. These mercenaries are persistent, I'll give them that. You've done well here, but if you really want to help Sparta, I have a task for you. What did you have in mind? Hunt him down. Show him that no mercenary dog will interfere with Sparta's plans. Since you have such a high opinion of mercenaries, why even send me? I'm sorry. It's just this man, Irkanos, is like a thorn in our foot. He's a menace to all Spartans here. Please, will you help us? I will do it. I'll do it. If he's this much trouble, I take it there's a sizable reward? Of course. Just think of how much he'll have on him with all the drachmi Athens has given him to thwart our plans. I suppose you're right. Any idea where to start looking? He could be anywhere. Most likely, he's nestled up close to the Athenians. We've sent out a couple of patrols, but they never returned. And we can't spare any more men at this time. Fortunately, I'm not just any man. मैं निपटा दूंगा, ऐसा हमने उसको बता दिया कि तू टेंशन मत ले, हम मार देंगे. तो अपने को मर्सरी को ढूंढना है और उसको मारना है और अपने स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाना है. चलो तो हम निकलते हैं मर्सरी को मारने के लिए. अपना घोड़ा बुला लेते हैं भाई, आजा आजा. चलो गाइस, तो अब मैं आपको सीधे मिलूंगा मिशन के पास में, यहीं पर आके हमको बात करनी है इससे. तो अंदर चल के बात कर लेते हैं अब हम. चल भाई बता. Don't come back until you have the tablet. Yes, Polymarch. Lost something? Not lost. Stolen. Stentor sent me. Said you've been having trouble with spies. I take an Athenian spy over a Spartan traitor. Either way, he must be found. He took a tablet with vital intelligence. Where is your spy? Is he still in the camp? Wouldn't need you if I knew. I doubt he's still here. Can't have gone far, though. He was injured when he took out the guard. Okay, that's not a Spartan way. This doesn't sound like something a Spartan would do.
He could be an imposter. We've had raids on our supplies recently, and Megaris has more mercenaries than a goat has ticks. And what man would turn their back on Sparta? I'll get him and your tablet. चलो, where did he go? पूछ लेते भाई, गया कहाँ है? Did you see which direction he went? The men said he went towards the hill. Easier to avoid pursuit in that terrain. Okay. Anything you can tell me that might help? The area is hotly contested, but Sparta is winning. We are pushing the Athenians back, but due to the war, the forests and mountains have become a hive of bandits and mercenaries. I mean, about where your spy might have gone. He's injured, and there's a spring up there in the forest. If it was me, I would have headed there. Sure. I'll be back soon with your tablet. The mountains and forests of Megaris are dangerous, and he surely didn't work alone. I'm more than capable of handling your spy. Here. चलो गाइस, तो हमको इनके स्पाई को ढूंढना है, तो हम सीधे चलते हैं और इनके स्पाई को ढूंढने की तैयारी करते। चलो फटाफट चलते हैं, इनका स्पाई कहाँ है उसको ढूंढ लेते हैं। अब हम वो दिखा दिया, काफ़ी ऊपर है, काफ़ी दूर है ये, इसको मारना तो है, पर मैं यहाँ लड़ाई करूँगा तो मेरे को पूरे मारेंगे। अरे भाई नहीं, लड़ाई करना है ना अभी, मेरे को मिशन करना है, तेरे को तो मैं मारूंगा बेटा आके, अभी रुक जा। ये ना वो है जो जिनको मेरा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना, मैं थोड़ी सी लड़ाई भुलाई कर लेता हूँ, ये उसमें से एक है, तो मेरे पीछे ही पड़ गया। कोई नहीं, मैं तो घोड़ा बुला के निकल रहा हूँ, अभी मेरे को मिशन करना है। घोड़ा कहाँ है रे? आगे आगे, चल बैठा मेरे को। चलो भाई अपन सीधे मिलते हैं अब मिशन के पास। चलो हम पास में आ गए हैं, चेक करते हैं, अपने को एक रोज से देखना पड़ेगा। ये बोल रहा है देखो यहीं कहीं है कुछ, इधर दिखा रहा है। ओके ओके, वो रहे थीप्स, और ये क्या क्या देख रहा है तू, देख ले सब भाई, इधर को जो जो देखना है, पर फिलहाल थीप्स को पकड़ दो अपन। चलो वहीं पे बैठे हैं, थीप्स थीप्स को मारते हैं अपन, तभी होगा कुछ काम धाम। ये रहे थीप्स, थोड़ा छुपा के भी काम कर सकते हैं क्या अपन? दो थीप्स है, दोनों की मुंडी इस तरफ है। ओके, दोनों आठ के देखी लिए, आ जाओ तुम्हारी तो। अबे मार मत रे तीर को, तीर वालों से बड़ी दिक्कत होती है मेरे को मालूम हमेशा। ये जरा चल तेरी तो टकले, एक ही बार में दिया इसको, गया क्या? गया रे। चलो फाइट खत्म, भाई साहब को छुड़ा लो। बोलो क्या किए? Well, what do you want? Who are you? I'm the one who's going to return the tablet you stole. जल्दी बताओ, why did you steal? Why did you steal the tablet? Because I was paid to. Who paid you? A mercenary, Hyrcanus, all right? Gave me the Spartan uniform, told me where to look. Easy drachmi. चलो, ऐसे मिला इसको ये। How did you get into the camp? Spartans never suspect their own. Too busy looking down on the rest of us. Malakes. Okay. Give it to me. I'm not leaving without it. There's no winners in this war, but there are opportunities. Perhaps we could come to an arrangement? No, Baba. Let's make a deal. You can't walk away from this. I am taking the tablet. Tablet to chahiye kyunki apne ko unki madad karni hai. I'll take the tablet now. Like fuck you will. Then only one of us will be getting paid today. आ गया तू अपने औकात पे लड़ाई पे साले, ले ले लड़ी ले, तू लड़ी ले मार। एक बार में तो साफ हो गया और लड़ने आया था मेरे से ये। चलो टैबलेट मिल गया, रिटर्न देना है। ये 12 सिंह का क्यों आ रहा है? चलो आई शुड गेट दिस टैबलेट बैक टू द कमांडर। चलो गाइस हम काफी पास आ चुके हैं, बस जाके इसको टैबलेट देते हमारा अच्छा हो जाएगा। चलो फटाफट चलते टैबलेट दे देते, अगला मिशन देखते। पहले तुम अपना टैबलेट ले लो हमसे, ज्यादा की बात मत करो। So, did you find the traitor? It's not traitors you need to worry about. He was a spy working for the mercenary Hyrcanus. Hyrcanus. How many times must I hear that name? His palms must be overflowing with Athenian gold by now. Did you get the tablet? चलो गाइस, तो हमने इनका काम तो कर दिए हैं, अब हमको आगे और क्या करना है वो देखते गाइस।
पर गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जितना हो सके उतना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी जल्दी वाला आने वाला है, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।